सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद खलील बनकर नबी मसीहा बनकर तशरीफ लाए। मेरे अजीज दोस्तों, और कैसे आए? हाँ, बसद अंदाज यकताई, बगायत शान जेबाई, बसद अंदाज यकताई, बगायत शान जेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। मोहम्मद अरबी आए हैं, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ठीक होकर बैठो, ये बता दूं जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, बेशक दरवाजा बंद कर दो, गैर को आने न दूं, तुझको कहीं जाने न दूं, काश मिल जाए तुम्हारे दर की दरबानी मुझे, तो फिर गैर को आने न दूं, तुझको कहीं जाने न दूं। जिक्र माबूद है, तवील तो हो जाएगा। मेरे आका आए हैं, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सितारों ने मुस्कुरा के इस्तकबाल किया, मेरे आका आए हैं, चांद ने रोशनी निछावर करके इस्तकबाल किया, मेरे आका आए हैं, सूरज ने किरणों से दुनिया को बुकाए नूर बना दिया, मेरे आका आए हैं, अनादिल चहकने लगे, मेरे आका है फूलों को, फूलों की महक को मंजिल मिल गई, मेरे आका आए हैं जन्नत सजाई गई, मेरे आका आए हैं शोले बुझाए गए, मेरे आका आए हैं सुबह की जबीन तबस्सुम से रोशन हो गई, मेरे आका आए हैं कायनात इंसानी को नजरियाती मंजिल मुयस्सर आ गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आए कहां हैं? हां, ये सही है, रबीउल अव्वल बहारों का नतीब है। रबीउल अव्वल में सिर्फ इंसानों मुसलमानों को नहीं, सुनिए, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इससे भी जरा, सिर्फ अरब को नहीं, अरब में सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को, बहाइम को, जमादात को, नबातात को, परिंदों को, कायनात के जर्रे जर्रे को खुशी हुई। और इस दिन में खुशी मनानी चाहिए कि कायनात के हर जर्रे को मोहम्मद अरबी की आमद से हुकूक मिले, या कम अज कम निशानदेही हुई। लेकिन एक बात कभी न भूलिएगा कि हुजूर की विलादत की तारीख 9 रबीउल अव्वल है। इख्तलाफ है बाज हजरात के हां, लेकिन ज्यादा अकवाल इस पर है, इत्तेफाक की हद के करीब करीब, के 9 रबीउल अव्वल को मेरे आका की विलादत हुई। क्योंकि जब विलादत हुई तो सिद्दीक अकबर नहीं थे, यानी इस्लाम का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि वो दिन माफूज हो जाता इस्लामी तारीख में। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो फिर इस्लाम का सूरज जगमगा रहा था निस्फुल नहार पर। वो तारीख मुतय्यन है और बिल इत्तेफाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफात जो है वो 12 रबीउल अव्वल है। खुशी तो जरूर मनाइए हुजूर अकरम की विलादत की, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि 12 रबीउल अव्वल को ये ढोल ढमक्के, ये भंगड़े, ये नाच और रक्स जिस दिन हमारे आका की वफात हुई है उस दिन अगर उम्मत जश्न मनाए तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी संग दिलाना रस्म है। कोई शख्स अपने आका की मौत पर खुशी नहीं मनाता। खुशी मनाने का तरीका कैसे होना चाहिए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, विलादत पर खुशी कैसे मनानी चाहिए? इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं।
صحابہ کرام کے کردار کا کہ خوشی صدیق اکبر کی طرح منانی چاہیے، حضور کی ولادت کی خوشی فاروق اعظم کی طرح، عثمان ذوالنورین کی طرح، سیدنا حضرت علی کی طرح، حسنین کریمین کی طرح، اور صحابہ کرام کا وہ عظیم لشکر جو اپنے استاد کامل کی تعلیمات کا شاہکار ہے، جس طرح انہوں نے خوشی منائی اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں وقف کر دی. بخدا ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. موت سے پہلے آپ کو بتا دوں، موت سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں کسی صحابی نے چراغا نہیں کیا، کسی صحابی نے بھنگڑا نہیں ناچا، الیاذ باللہ رقص نہیں ہوا. انہوں نے میلاد کی خوشی یوں منائی کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی زندگی کا ایک ایک زاویہ حضور کی غلامی اور اطاعت میں وقف کر دیا. اور ہم ناچے کودے بہت، لیکن زندگی اپنے جذبات کے مطابق گزاری، نفس ہمارا کی اطاعت میں گزاری، نہ معلوم حشر میں ہم کس صف میں کر